पास जो है वो क्या है आपको बताने के लिए, ये मैं इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज, प्रोडक्ट पेज, ठीक हो गया। और इस प्रोडक्ट पेज के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यहां पे टॉप से देखें, यहां पे इधर से ये जो हिस्सा कहलाता है प्रोडक्ट URL, ये एड्रेस है, जैसे कि आपके घर का एड्रेस होता है, इसी तरह इस पेज का एड्रेस URL कहलाएगा। और इस URL के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, B0 से शुरू होता है कोड, इसको कहते हैं ASIN, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जस्ट लाइक हमारा CNIC नंबर। बाप का अलग होगा, बेटे का अलग होगा, भाई का अलग होगा, सबका अलग होगा, तो इसी तरीके से यहां पे सबका CNIC जो कि ASIN कहलाता है अलग 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 होगा, ठीक हो गया। रंग बदल गया, कद बदल गया, तो क्या होगा CNIC अलग। यहां पर भी अगर चॉपर का कलर चेंज हो गया तो CNIC अलग हो जाएगी उसकी, उसका ASIN चेंज हो जाएगा। सेकेंड फॉरन चीज जो मैं देखता हूं, यहां पे देख रहा है आपको बैक टू रिजल्ट, बैक टू रिजल्ट को मैं उस ASIN के बाद से जितना भी डेटा है उसको रिमूव कर देता हूं और प्रेस एंटर करता हूं, तो देखिए ये बैक टू रिजल्ट गायब हो गया। अब क्या आ रहा है यहां पे, इस प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही है यहां पर, यह कहलाता है, इसको मैं आसान लफ्जों में कहूंगा तो कहूंगा शेल्फ। आप किसी सुपर स्टोर में जब जाते हो तो वहां बड़ा सा लिखा होता है ग्रोसरी, किचन अप्लायंसेस। अब मैं उसके अंदर गया तो मुझे तो लेना था हॉटपॉट लेना था, तो मैं तो उस पर खड़ा हुआ पूरे शेल्फ के साथ, तो मैं वॉक करके कहां जाऊंगा, हॉटपॉट शेल्फ पे जाऊंगा। तो आप समझ लें कि ये आपका मेन कैटेगरी, मेन शेल्फ है, होम एंड किचन लगा हुआ है, लेकिन आपको चाहिए क्या, चॉपर। ये रहा इसका लास्ट शेल्फ, एग स्लाइसर। इस सेलर ने अपने प्रोडक्ट को एग स्लाइसर की शेल्फ में रखा हुआ, आ रही बात समझ में, तो ये कैटेगरी है, इसने एग स्लाइसर की कैटेगरी में अपने आप को शोकेस किया हुआ है, ये इसकी मर्जी है। अगर ऑप्शन है तो हर सेलर अपनी मर्जी से रेलेवेंट कैटेगरी में लॉन्च कर सकता है। वैलिडेशन जब मैं आपको सिखा रहा हूंगा तो मुझसे पूछिएगा, ये सवाल लिख ले आप लोग कि सर इस चॉपर ने चॉपर की कैटेगरी में क्यों नहीं लॉन्च किया था, ये सवाल आप उससे कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वैलिडेशन के दौरान, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मुझसे सवाल कीजिएगा ताकि आपको पता चले ये क्यों है। सवाल आप मुझसे आप ये करेंगे कि इस चॉपर को चॉपर की कैटेगरी में लॉन्च क्यों नहीं किया गया, एक्स स्लाइसर में क्या कर रहा है, ठीक हो गया। अब हमारे पास तो ये कैटेगरी विजिबल हो गया, पहले तो विजिबल नहीं था, तो हमने कैसे विजिबल किया, इस ASIN से आगे जितनी भी चीजें थी उसको रिमूव करके प्रेस एंटर किया और हमारे पास ये कैटेगरी विजिबल हो गया। नाउ वी कैन सी इमेजेस, यहां पे हमारे पास मौजूद है 7 इमेजेस होती हैं, जिसमें से एक वीडियो होगा आपका इस जगह पर। सवाल लिख लें आप लोग, जो हो तो मुझसे जब पूछू तब पूछिएगा। 7 इमेजेस जिसमें से एक क्या होंगी, वीडियो। वीडियो कब अलाउड होगा आपको, जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, अमेज़न पे। अब उसके बाद ये आपका टाइटल है इस प्रोडक्ट का, स्टोर नेम, यहां पर दो चीजें होंगी, या स्टोर होगा या ब्रांड नेम होगा। रिव्यूज एंड रेटिंग, जो बायर ने रिव्यूज एंड रेट किया इसको, बेस्ट सेलर इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी का क्या है ये, बेस्ट सेलर हो गया। इसके प्राइसेस, उसके बाद आइटम स्पेसिफिक्स, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसका, टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, एंड फीचर पॉइंट, बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट्स स्पेसिफिक कह लें आपके, ये आपकी प्रोडक्ट की खूबियां, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी फीचर्स, ये एक्सप्लेन करता है बायर्स को कि मेरी प्रोडक्ट्स को आप क्यों खरीदें, व्हाई शुड यू बाय माय प्रोडक्ट। तो ये इधर एक्सप्लेन करेगा कौन, सेलर, कॉन्टेंट के अंदर कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या खूबियां हैं, एंड व्हाई शुड यू बाय माय प्रोडक्ट। उसके बाद ये बाय नाउ का बटन है, इस बाय नाउ के बटन की वजह से इसका नाम पड़ गया बाय बॉक्स, ठीक हो गया। और शिप फ्रॉम अमेज़न, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, FBA, अमेज़न से कोई प्रोडक्ट शिप होती है, या अमेज़न के वेयरहाउस में कोई चीज पड़ी हुई है, या हम भेजते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon।
सोल्ड बाय कॉमर्स मार्ट, इसका मतलब ये कि ये मर्चेंट नेम है, दुकान का नाम, जैसे कि इम्तियाज सुपर स्टोर में चावल बिक रहा है पूनम के नाम से, इम्तियाज के नाम से नहीं, तो ये दुकान का नाम है लेकिन ब्रांड का नाम क्या है, मूलर। तो इस दुकान का नाम टाइटल में कभी नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। ये आपका फर्स्ट हाफ पेज है जहां पर बायर आता है, ऑलमोस्ट यही से बाय करके निकल जाता है, नॉर्मली नीचे आता नहीं है।